एवरीवन, तो आज की वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पर साइतामा कॉइन के बारे में। साइतामा कॉइन की तरफ से यहाँ पर एक बहुत बड़ी न्यूज यहाँ पर हमें निकल के आ रही है, क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए भी काफी अच्छी न्यूज है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो का कोई भी पार्ट आप लोग मिस ना करें। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आज साइतामा कॉइन के प्राइस की, तो आप लोग देख सकते हो 0.28 पैसे पे चल रहा है, यहाँ पर 6.626% यहाँ पर इंक्रीज है। 18 पैसे से वापस से 28 पैसे पे पहुंच चुका है। अब तक 50% से ज्यादा रिटर्न आप लोगों को दे चुका है ये कुछ ही टाइम के अंदर, लगभग 10 दिनों के अंदर। एंड जो यहाँ पर एक बड़ी अपडेट आ रही है वो यहाँ पर आ रही है, देखिए साइतामा गुरु जो कि इनके फाउंडर है, और वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इनकी एक जो यहाँ पर मीटिंग हुई है, जो न्यूज चैनल है इंडिया के, वहां से इनकी मीटिंग हुई है। तो इसमें देख सकते हो आप लोग इन्होंने क्या कहा है। होगी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं साइतामा के फाउंडर मंत्री सिंह कोहली साहब, फिन लॉ कंसल्टेंसी के एडिशनल डायरेक्टर पी मिश्रा और फाइनेंशियल एक्सपर्ट ऑफ में ताकि कंफ्यूजन तो बहुत कर रहे हैं। क्रिप्टो में कभी 1% TDS आ रहा है, कभी 30% टैक्स आ रहा है, अभी एक और डिस्कस। तो आप लोग देख सकते हो इसमें इन्होंने पूछा है कि यहाँ पर जो क्रिप्टो करेंसी पे अभी एज ए गवर्नमेंट यहाँ पर इसको एसेट की तरह भी ले रही है, लेकिन यहाँ पर जो इसको ट्रीट किया जा रहा है, इतना ज्यादा टैक्स इस पर लगाया जा रहा है, उस पर भी यहाँ पर इन्होंने कहा है कि अभी जो कन्फ्यूजन है वो काफी ज्यादा हो चुकी है। लेकिन इन्होंने साइतामा के जो ये फाउंडर है, इन्होंने यहाँ पर ये चीज कही है कि जैसा अभी हम साइतामा प्रो लेकर आ रहे हैं, साइतामा मास्क यहाँ पर लेकर आए हैं, तो साइता प्रो के अंदर इन्होंने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इन सब चीजों को ऐड किया ताकि इसको इजी बनाया जा सके। तो वही चीज इन्होंने इस न्यूज के अंदर भी बोली है कि यहाँ पर इसको रेगुलेट किया जाना चाहिए और बहुत ईजी इसको बनाना चाहिए। अभी इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है, इसको हार्ड बना रही है और TDS ये वो काफी सारी चीजें ला रही है, प्लस इसको बैन तक करने की बात कर रही है। तो यहाँ पर यही चीज उन्होंने बोली है कि इसको इजी बनाया जाएगा, तभी यहाँ पर क्रिप्टो में आगे यहाँ पर इंडिया के अंदर फ्यूचर हमें देखने को मिल सकता है। सो ये काफी अच्छी अपडेट है साइतामा कॉइन के लिए भी एंड यहाँ पर साइतामा कम्युनिटी के लिए कि उनके जो फाउंडर है वो यहाँ पर न्यूज चैनल पे आकर के यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट से भी एंड यहाँ पर जो इनके इनको भी समझा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज का इफेक्ट यहाँ पर क्रिप्टो इंडस्ट्री पे और यहाँ पर जो हमारी गवर्नमेंट है उस पर पड़ना चाहिए। एंड यही अपडेट थी अभी क्रिप्टो मार्केट से और साइतामा कॉइन की तरफ से। सो आई होप कि आप लोगों को अपडेट पसंद आई होगी। प्लस बिटकॉइन की अगर हम बात करें तो आज काफी अच्छे मूवमेंट के अंदर है। बिटकॉइन की अगर हम बात करें तो आप लोग देख सकते हो $23,000 से भी यहां पर $23,300 पे चल रहा है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए विश यू ऑल।